तो हम पहुंच गए थे कहाँ, आज कहाँ पहुंच गए हैं बताइए सर? रामगढ़। और ये देखिए विकास, और विकास यहाँ से भाग गया है क्योंकि आपदा आई थी, उसके बाद दोबारा सरकार ने कुछ बनाया नहीं है। और रोडें देखिए बिल्कुल टूटी हुई है। नहीं नीचे नहीं गिरेंगे, ऐसा इतने कमजोर दिल के नहीं है। और ये देखिए दिवस भाई हमें बॉडी दिखाते हुए, दिवस भाई हमें बॉडी दिखाते हुए। आसमानों को चाहिए। और यहाँ चारों तरफ ये नदी बह रही थी, और सब देखिए पुल भी बह गया है। और यहाँ इस टाइम गुरु मैं ना बह जाऊँ यहाँ से, अब ये सब रास्ता देखो डैमेज हो गया है। और यहाँ एक पुल हुआ करता था क्योंकि हमें वहाँ जाना है, और वो पुल अब बह चुका है, इसीलिए हम पदयात्रा करके निकल रहे हैं दोस्तों यहाँ से। बाकी व्यू बहुत अच्छा है। ऐसे बोलो ना सरकार में, दुकानें टूट गई हैं, सब कुछ बह गया है, ये लिंटर भी ध्वस्त हो गया है, काफ़ी क्षति हुई है यहाँ। और अभी तक तो गवर्नमेंट यहाँ सुध बुध देखने नहीं आई है, ये देखिए। और दिवस भाई कह रहे हैं जिस दिन से आपदा आई मैं चाउमीन तक नहीं खा पाया हूँ। चाउमीन आ गई और दिवस टूट पड़ा है चाउमीन पे, और इस चाउमीन से ज़्यादा सॉस खाता है इसलिए शर्मा रहा है। दिवस स्टार्ट कर। हाईवेज हैं जो सबको घर तक पहुंचाते हैं, इस ऐसे ही रास्तों में गांव पे हम चलते हैं। ये सेम होते हैं घुमाव और गढ़वाल में, इन पगडंडियों में चल के ही एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ मकानों को बनाया जाता है हाथों से, ये सब काम गांव के ही लोग करते हैं, बाहर से कोई कारीगर नहीं आता है। ये मकान स्वयं बनाए जाते हैं इनके हाथों द्वारा। अभी हम आपको दिखा भी देंगे, कुछ लेडीज़ मकान निर्माण कार्य में लगी हुई हैं। देखिए दोस्तों ये काफ़ी मेहनत का काम है, इनमें पत्थर को कटिंग करके देखो किस तरह से तरासा गया है, ये सब सीधे सीधाई में बनाते हैं ये देखो। और ये इतने मजबूत होते हैं कि कैसे भी भूकंप हो बड़ी से बड़ी आपदा को आसानी से झेल जाते हैं, इनकी मजबूती काफ़ी होती है क्योंकि 18 इंच चौड़ी है देखो दीवार होती है, जबकि चीने नहीं है कहीं से भी। देखो कितना शार्प वर्क किया गया है इस टाइप से, ये अपने खाद्यान्नों को बचाते हैं इनके अंदर रख के। अभी देखना दोस्तों यहाँ से घर में लेडीज़ें वर्क कर रही हैं, तो यहाँ भी इनके द्वारा ही मकान को खुद बनाया जाए, कोई मजदूर बाहर से नहीं आते हैं। बाकी हम हो गए लेफ्ट टर्न और छुटकी भागी आगे, और ये गढ़वाल के खेत हैं। ये वह भव्य मंदिर है भोलेनाथ का जिसका तिरंगा झंडा दिख रहा है, ये देखिए दोस्तों। अंगूर की बेलें भी हैं, शहतूत के पेड़ भी हैं, ये देखिए इस टाइप के यहाँ घर होते हैं, इनमें काफ़ी बड़ा प्रांगण शादी ब्याह निपटाने के लिए। और दोस्तों हम आपको खास चीज़ दिखाएंगे, अखरोट देखिए, ये अखरोट का पेड़ है दोस्तों जो राउंड राउंड लगे हैं, ये कच्चे अखरोट है अभी पके नहीं है। ये अखरोट का पेड़ इस टाइप से होता है काफ़ी बड़ा, ये अखरोट है जो आपने मार्केट में देखे हैं या अखरोट खाए हैं वही अखरोट है, बस ये भी कच्चे हैं पक जाएंगे। बाकी हम आपको दिखाते हैं खेती किस टाइप से होती है, देखो सीढ़ीनुमा खेत हैं, अभी गेहूं की कटाई हो गई है। बाकी ये देखो खादें डाल रखी हैं ओरिजिनल ऑर्गेनिक गाय के गोबर की, कोई यूरिया केमिकल यहाँ यूज़ नहीं होता है, इसीलिए यहाँ कभी बीमारी भी नहीं पड़ते लोग, क्योंकि सारे खाद्य ओरिजिनल है एकदम खाद। ये गाय की लेडीज़ें हैं ये इस तरह मेहनत कर काम करती हैं आ रही हैं। और ये बिच्छू घास है, इसके हाथ लग जाए तो एक बार करंट लग जाता है। और देखिए दोस्तों ये किंगोड़े हैं, इनकी कैंसर की दवाई बनाई जा रही है आजकल, बट ये अभी कच्चे हैं, पक्के पर्पल कलर के हो जाते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं, अभी खट्टे होंगे। ये बिच्छू घास है, इसकी भी कई दवाइयाँ बनाई जा रही है। ये सब गढ़वाल के लोग अज्ञान थे, पर अब पता चल गया है धीरे धीरे कि इनका उपयोग किस तरह दवाइयों के में किया जा सकता है। काफ़ी कुछ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, पर लोगों को अज्ञानता उस पता ना होने के कारण ये ऐसे ही जाती है। देखिए इनमें छोटे छोटे कांटे हैं, और इन्हें छूने से ही मात्र से ही करंट मात्र 24 घंटे तक रहता है हाथों में। नीचे चलो 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 शाबाश। इसका नाम क्या है? मीना।
कंचन चौधरी भट्टाचार्य आओ डंडे से डर रही हो, डंडे से ये हो रहा ना गेहूँ पिस रहे इसलिए डर रही हो। आओ उन पे चलते हैं, वो अच्छे हैं खाना खा रहे हैं तो। वाह मैं हाँ फूल मैंने यहाँ रख दिए मैं हाँ यहीं फ्रेश ले लेंगे यार फूल और पूजा के लिए। वाह गढ़वाल की बकरियाँ और तुम्हारा, अरे उसने देख वहीं से पटक दिया। शरारती है बहुत। क्या नाम है इनके चारों के नाम बताओ। है इसे इसे पता होगा नहीं रखा है ले मैं सुंदर है ना क्या खिलाते हो तुमने तो कितने सुंदर यहाँ फूल लगे हुए हैं ये देखिए बहुत ही प्यारे गुलाब हो रखे हैं ये देखिए और ये हम रख देते हैं इधर फोटो शूट के लिए और ये टूट गया दूसरा गुलाब हाँ और अब ये फोटो शूट के काम आएंगे इनको। ये लो आपके लिए हमने फूलों की व्यवस्था कर दी है और ये आ गए अब पकड़ो अब जाओ अपनी पोजीशन ले लो हाथ धोना है चलो कैमरामैन को भाई पानी दो तभी हमारी वीडियो बनाएगा। लो कंठ गीला करो आप अपना। ये बहुत ही आलसी है रात को भी सोता है सुबह भी सोता है दिन में भी सोता है। अरे वाह ये ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है। क्या लाई फोन दे दी मेरे को खेलने के लिए। अच्छा मैं गेम खेलने के लिए ये फोन के नाम से इतना खुश हुआ। मेरी दुआ लगेगी तेरे को दुआ लगेगी कितने अब यू ना बोल देना 47% मात्र। अच्छा वो तो आया 74 कर दो चलो जितनी तूने सोची होगी उतनी आएंगी। 7 को आगे कर दो 4 को पीछे कर दो 74 हो गए 47 के ठीक है। दिवस तुम्हारी खूबसूरती का राज बिना नहाए जीवन बिताना ही इनकी खूबसूरती का राज। नए वीडियो में ये कौन बताता है ये तुम्हारी खूबसूरती का रहस्य मुझे बताना पड़ रहा है ना। ये गांजा है दिवस अकेले पिएगा सारा गांजे की खेती है इतना भी गांजा है दिवस अकेले पी जाएगा ये शिवरात्रि वाले दिन ये सारा देखो दोस्तों गांजा नहीं है गांजा मत समझना चोला ही है। चलो कहीं आप यहाँ पुलिस बुला लो आंटी पुलिस बुला ले। ये देखो गढ़वाल के और कुमाऊं के घर ऐसे होते हैं वो देखिए हमारा शेर और ये मधुमक्खियाँ आया दिवस यहाँ यहीं तो है शहद वाले छत्ता हट। अरे पालतू फूल तो कुछ नहीं इतना चस्का है 2 करोड़पति बनने के लिए पहले ही आ गए वक्त से और लगाने लगे हम भी बैठ जाते हैं। ये देखिए 2 करोड़ रुपया दे बाबा नीम करौली पे जाएंगे भंडारा कराएंगे इन्होंने वादा किया है बस इन्हें सौरभ जोशी को पीछे छोड़ना है। दीदी इधर की साइड बात करेंगे मम्मी से। चाची ने हमारे लिए बिस्तर लब भी लगा दिया है। चाची ने बिस्तर नहीं इसमें लेट के लो इधर कोई बात नहीं चाची इधर भी आ जाएंगे हम तो।